क्रूशरी पढ़ लें। सवाल कल होमवर्क दिया था तो सही किया होगा, बक कर लिया होगा, फिर भी फिगर्स टैली कर लें अगर आप लोगों की आपस में एग्रीड हैं तो सही होंगी। सारी लास्ट में देखेंगे। ईपी सही है, नहीं कितनी है ईपी 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 सही है। कॉस्ट 1.9। सबकी सही है। इतना आसान है प्रोसेस कॉस्टिंग, पीछे से कहां से देख लिया। बीटी क्यों आए हैं? जो यूनिट्स कंप्लीट हुए ओपनिंग वाले, भाई जो क्रिकेट वाली मिसाल दी थी वो बता दो। डे वन में उसका स्कोर 70 था, नॉट आउट था। अगले दिन उसने 40 और किया और आउट हो गया, तो दूसरे दिन के स्कोर कार्ड में उसका स्कोर 40 लिखा रहा होगा कि 110। क्यों 110? किया तो 40 है उसने, क्योंकि 70 पिछले दिन किया था, वो बीडी है, 40 और किया है, तो अब 110 उसका स्कोर कार्ड पे लिखा रहा है। तो जो यूनिट कंप्लीट होके गए हैं उनका कुछ हिस्सा पिछले महीने कॉस्ट इनकर हो चुकी थी, बाकी अब हुई है, अब वो आउट हुए हैं। जैसे आप लोगों का सेशन जनवरी 22 में खत्म हो रहा है, तो आप लोग जनवरी 22 में जो कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे वो कुछ 21 में और कुछ 22 में पड़ा होगा। जब कंप्लीट होगा तो यही कहेंगे हमने कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसमें आप कोर्स कंप्लीट मानते हुए वो अक्टूबर नवंबर भी गिन रहे होंगे। यार ये ना रिफिल, जी जी डिफरेंस किस एतबार से? आप डिफरेंस इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि करना क्या क्या है, फाइफो में क्या करना है, वेजिटेबल में क्या करना है। बोलो बोलो वेटेड एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें जो ओपनिंग पहले से पड़े हुए मौजूद हैं उन पे लगी कॉस्ट भी और नए खर्चे भी, इनको मिला के एक एवरेज रेट निकाला जा रहा है। जो अब वर्क इन प्रोसेस रह गए हैं और जो आउट हो गए हैं उन सब पे यही एवरेज रेट लगना है। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, शुरू से ही कॉन्सेप्ट है। फाइफो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बचे रह गए हैं वो नए वालों में से हैं, जो अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इस महीने के, वो उन्हीं में से हैं जो खर्चा इस महीने हुआ था, तो फिर उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए वही पर यूनिट कॉस्ट निकालनी चाहिए जो इस महीने के खर्चे की बेस पे निकली है। तो यही फाइफो का कॉन्सेप्ट हमेशा से, यानी ये वही कॉन्सेप्ट है जो शुरू से फाइफो वेटेड एवरेज का है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी यही करते थे।
क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो इस महीने कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए? हुए हैं। तो वो जब कंप्लीट हुए हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट लिखनी है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में। तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? सिर्फ वो जितना इस महीने उन पर खर्चा हुआ है। टोटल कॉस्ट, आप लोग जनवरी 22 में कोर्स खत्म करके जा रहे हैं कॉलेज से, अब आपसे पूछे जी हाँ जी कोर्स कितना पढ़ के आए हो, तो आप सिर्फ जनवरी वाली पढ़ाई बताएंगे, क्यूमुलेटिव बताएंगे ना। तो जो यूनिट्स इस महीने ओपनिंग थे लेकिन इस महीने वो कंप्लीट होकर आउट हो गए, तो उनकी कितनी कॉस्ट थी प्रोसेस वन से निकलते हुए? जितनी अब तक लग चुकी थी, कुछ पिछले महीने कुछ इस महीने, इसलिए बीडी लिख रहे हैं उसके अंदर। अभी यही तो बता रहा था यार, फाइफो में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो सिर्फ उसी खर्चे में से बचे हुए होने चाहिए जो इस महीने खर्च हुआ है। फाइफो पूछ रहे हैं ना, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे वो पर यूनिट कॉस्ट लगा रहे हैं ना, क्लोजिंग पे वो पर यूनिट कॉस्ट लग रही है। तो क्लोजिंग पे लगने वाली कॉस्ट सिर्फ उन्हीं खर्चों से निकली हुई होनी चाहिए जो इस पीरियड में खर्च हुए हैं, इसलिए न्यूमिरेटर में सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट ले रहे थे। तो यही रीजन है फाइफो की जी। दोनों का आंसर डिफरेंट नहीं है? वेटेड एवरेज फाइफो का सेम आया, डिफरेंट आया ना। हाँ, तो दो अलग अलग मेथड्स हैं, इसलिए पहचानना पड़ेगा कि कौन से मेथड से करना है। हाँ, ये वैरायटी थ्री में क्यों नहीं करना पड़ा भाई? तो वैरायटी थ्री में तो वर्किंग प्रोसेस था, ओपनिंग का मसला है ना। क्योंकि जो यूनिट्स अभी इस महीने कंप्लीट हुए हैं, कुछ वो हैं जिन पे इस महीने काम हुआ था, कुछ वो है जिन पे थोड़ा बहुत पिछले महीने काम हो चुका हुआ था, इसलिए ओपनिंग जब आएगा तो फिर फर्क करना पड़ेगा वेटेड एवरेज फाइव को। अगर सारे आए ही इसी महीने हो और इसी महीने ही खर्च हुआ हो तो फिर किस बात का एवरेज? तो फाइफो और वेटेड एवरेज की जरूरत पड़ी ही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए। और कल वाले तक पे सवाल, साथ साथ आउट हो रहे थे, चलो ठीक है। कितनी देर, कितने के साथ? साथ साथ क्वालिफाइंग करें ना, कितना को साथ साथ? हाँ हाँ, एक वक्त में 400 यूनिट्स मशीन में आए, अब वो साथ साथ निकलते जा रहे हैं, साथ साथ को डिफाइन करें ना। कितनी देर में आप बताएं ना, कितनी देर में? 4-5 घंटे लगा लें। तो वो जो 30 अप्रैल को रात 12 बजे जब अप्रैल एंड हो रहा था, उस वक्त मशीन में 300 यूनिट पड़े थे, वो मशीन में अभी सिर्फ 3 घंटे पहले आए थे, तो 2 घंटे उन्होंने और पकड़ा था ना। लेकिन चूंकि कट ऑफ आ गया 30 अप्रैल, तो फिर उस लम्हे में वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कहलाए अप्रैल के, अगले ही लम्हे वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है मई के। बस 2 घंटे मई में और गुजरेंगे फिर वो आउट हो जाएंगे। तो जब वो मई में आउट होंगे उनपे टोटल कितनी देर काम हुआ होगा? 2 घंटे के 5 घंटे टोटल कितनी देर काम? 5 घंटे, जिनमें से 3 घंटे अप्रैल में काम हुआ था, 2 घंटे मई में काम हुआ है। जब अप्रैल में काम हुआ था, अप्रैल फॉर द मंथ अप्रैल, हो सकता है लेबर के ओवरहेड्स के रेट डिफरेंट थे, मई में डिफरेंट है, तो अब उनमें मिक्सचर कॉस्ट्स आ गई हुई हैं। तो क्या उस मिक्सचर का असर नए वालों पे भी डालना है, क्लोजिंग पे भी डालना है या नहीं? अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो हाँ, उन पे भी इफेक्ट डालना है। अगर फाइफो है तो ये मिक्सचर इन्हीं तक महदूद रहेगा, जो नए हैं उन पे सिर्फ करंट पीरियड के मुताबिक निकली हुई कॉस्ट लगेगी। और जब लॉसेस पहले पड़ रहे थे तो क्या क्या किया था लॉसेस का पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस की थी न्यूमिरेटर से कि डिनोमिनेटर से? न्यूमिरेटर से। और डिनोमिनेटर में क्या किया था? एबनॉर्मल लॉस है तो उसके यूनिट्स ऐड किए थे। किस में ऐड किए थे? आउटपुट में, यानी कंप्लीटेड यूनिट्स में। और अगर एबनॉर्मल गेन था तो शुक्रिया। तो बस अब हम जो कल तक सीख चुके हुए उसी में बस लॉसेस फिट करने लगे। तो लॉसेस आ जाने से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन
अच्छा ये अब क्योंकि लेवल आस्ता सा बढ़ ही रहा है कॉस्ट का, मैं कई चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट डिटेल लॉजिक सब बताता हूँ, लेकिन उसके बाद हर क्लास में बार बार नहीं बताने का टाइम होता ना। अगर आप मुझे रोज़ कहेंगे कि वो जो इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट बताया था इक्वेशन बना के वो रोज़ बताऊँ, तो फिर कोर्स आगे कैसे चलेगा? जो मैंने कल शाखें बना के दी थी अगर वो रोज़ बताने लग जाऊँ तो कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा? तो जो कॉन्सेप्ट बताया होता है उसको आप ना घर जाके रिवाइज किया करें, अपने आप को दोबारा समझाया करें, और कुछ ना कुछ ऐसा लिख लिया करें कि जब आप जनवरी में दोबारा पढ़ने बैठे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। क्योंकि आपने जब क्लास में बैठे सुना समझा था तो आपको लगा समझ आ गया, सिर्फ क्लास से उठने की देर थी, गया। अगर आज मैं वो फाइफो वगैरह बनाऊँ ना, कौन ऑपरेशन करें, आप लाइनें नहीं लगेंगी आपसे, वो कल हो गया जो होना था। तो इसलिए घर जाके पढ़ा करें, और जब तक कोई टॉपिक चल रहा होता है ना उसके सारे लेक्चर्स रिवाइज किया करें, फिर वो कॉन्सेप्ट पक्के होते रहते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बच्चे मांगते हैं, ग्रुप में भी बच्चे कह रहे होते हैं जी कि और प्रैक्टिस क्वेश्चन दें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन दें। देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन और करने से मसला नहीं हल होगा। अगर एक बच्चा है उसकी टांगों में मसला है, घुटने ठीक नहीं है, घुटने और उसकी कमजोरी है, टांगों में हड्डियों में कोई मसला है, वो नहीं सही चल सकता है, तो पहले टांगों का मसला हल करेंगे तो फिर वो चलने के काबिल होगा। उसको हाथ पकड़ के घसीटते जाएं, 200 किलोमीटर चलवा लें, फिर छोड़ेंगे फिर गिर जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन और, उससे फायदा नहीं, नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि ग्रिप बनी नहीं है, सोचा समझा है नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस कर करके कहेंगे इतने मैंने सवाल कर लिए फिर भी बात नहीं बन रही। तो इसलिए ना जो सवाल कराए होते हैं क्लास वर्क और होमवर्क, अगर इन्हीं को ढंग से कर लें तो यही बहुत होते हैं। और ढंग से मेरी मुराद ये है कि जो क्लास वर्क मैंने किया वो तो मैंने किया है, वो आप घर जाके दोबारा किया करें, होमवर्क किया करें पूरी तरह सॉल्व बगैर सोल्यूशन देखे। आप में से कई बच्चे होंगे जिनको शिकायत होगी कि पेपर में टाइम मैनेज नहीं होता, न्यूमेरिकल में खासतौर पर हो जाता नहीं होता, पेपर आता होता है, लिखने का दिल भी कर रहा होता है, लिखा भी जा रहा होता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने जो पूरा स्टेप परफॉर्म करना होता है वो आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होता। देखें, बैट्समैन है, उसने रनिंग बिटवीन द विकेट की प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस करते हुए अगर वो कहे कि मैंने सिर्फ यही देखना है ना कि झुक के बैट वहां तक पहुंचा सकता हूं कि नहीं पहुंचा सकता, और वो सिर्फ 10 फुट के फासले पे ये झुक के बैट लगाना, फिर मुड़ के इधर बैट लगाना, इसी की प्रैक्टिस करता रहे, तो उसने झुक के बैट लगाने की प्रैक्टिस बेशक कर ली, लेकिन उसने जो फासला रखा प्रैक्टिस के लिए, जब असल मैच में जाएगा तो फासला डिफरेंट होगा, सारी प्रैक्टिस आउट हो जाएगी उसकी। तो आप लोग जब सवाल पूरा पूरा सॉल्व ही नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बस ठीक है मुझे आ गया, आता है मुझे, बस अच्छी समझ आ गई है, तो समझ तो आ गई है, लेकिन उस समझ को पेपर पे भी उतारना होता है। इस बात के 3 घंटे होते हैं। अगर आपको कहा जाता ना ये पेपर है, खुला टाइम है, खड़े होकर इसकी ना प्रेजेंटेशन दो, समझाओ, सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला होता, कॉन्सेप्चुअली मेरे ख्याल में 90% लोग सही समझा देते, जो पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं। लेकिन बात होती है अपनी उस सारी समझ को 3 घंटे में पेपर में ऐसे उतारना कि आपके गैर मौजूदगी में आपके उस लिखे हुए को पेपर मार्क करने वाला समझे और फिर नंबर दे, ये मुश्किल काम होता है। तो प्रैक्टिस बेटा इसकी की होगी तो ये घुराएगा, तो सारे सवाल लिख के किया करें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में एक फर्क ये पड़ेगा कि अब लॉस को एक इज्जत मिलेगी और उसकी एक लाइन आइटम आ जाएगी। कैसे होगा वो भी सवाल करके दिखाता हूं। ईपी में और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, इनकी एक लाइन आ जाएगी। ईपी में इसके यूनिट्स की लाइन आ जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में इसकी कॉस्ट की लाइन आ जाएगी। और कॉस्ट पर यूनिट न्यूमिरेटर में फर्क ये पड़ेगा, पहले क्या होता था, नॉर्मल लॉस की रिकवरी लेस होती थी ना न्यूमिरेटर से, तो अब भी ऐसा ही होगा, लेकिन अब थोड़ा सा मसला ये है कि अब तो 2 कॉलम है, किसमें से लेस होगा? तब तो 1 न्यूमिरेटर था बस, अब तो 2 कॉलम है, किसमें से लेस करेंगे? दोनों में से, तो डबल डबल लेस हो जाएगा। तो बड़े बूढ़ों की एक प्रैक्टिस ये है कि वो मटेरियल में से लेस होगा। जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है ना, वो मटेरियल वाले कॉलम से लेस होगा। अगर वेटेड एवरेज मेथड हुआ तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की लाइन, करंट पीरियड कॉस्ट की लाइन, और ये लाइन इसमें से लेस। फाइफो हुआ जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट, उसमें से ये लेस होगा।
तो लॉस का इतना असर पड़ेगा कि ईपी और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की लाइन आ जाएगी और कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमिरेटर के अंदर ये न्यूमिरेटर है जी इधर है कहाँ है हाँ जी हाँ बिल्कुल आई होगी बिल्कुल आई होगी तो उसको मटेरियल कन्वर्जन में लिखेंगे यूनिट्स यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के नॉर्मल लॉस की रिकवरी सिर्फ इसमें से माइनस होगी क्योंकि वो खराब चीज है जो हम बेच रहे हैं कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको मटेरियल में से लेस किया जाता है अगर इस पर आप न्यूमेरिकली आर्ग्यू करेंगे ना आप कहें जी हम इसकी एक रेशियो डेवलप कर लेते कुछ इसमें से माइनस करते कुछ इसमें से माइनस करते इसमें खराबियां बढ़ जाएंगी मैं समझ जाएगा। अच्छा जो मैंने भी कहा ना बड़े बुजुर्गों की प्रैक्टिस है ये सही बात है कॉस्ट अकाउंटिंग कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है ये प्रैक्टिस ही तो है और क्या है कोई स्टैंडर्ड तो नहीं लिखा हुआ इनके ऊपर ये तो बुजुर्गों की चली हुई बातें आ रही हैं तो वो बुजुर्गों की प्रैक्टिस ही बता रहा हूँ कि नॉर्मल लॉस को यहां से लेस करना है बस वरना खराबियां बढ़ जाएंगी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। अच्छा इसके सवाल करने से पहले कोई तीन चार नोट्स लिख लें इनमें से दो तीन तो पुराने ही होंगे मैं बस इंश्योर करने के लिए बता रहा हूं अगर पहले नहीं लिखे तो अब लिख लें लिखे हुए तो ठीक है। ये नोट्स टिप्स नसीहतें ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चलती रहेंगी ऐसे ही पहले भी दो चार बातें कभी बताई थी उनको आप टिप्स कह लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें नोट्स कह लें नसीहतें कह लें कुछ भी कह लें बस ये वो बातें हैं जो आपने याद रखनी है सवालों में काम आएंगी और इनको ऐसे ना लिखना कि पेज में के दफन हो जाए दोबारा मिले ना ऐसे लिखें कि पता चले कहां क्या लिखा हुआ। पहली बात ये अच्छा कुछ इंग्लिश में बताया करूंगा कुछ उर्दू में जैसे मर्जी लिखें पहली बात ये जो मैं पहले बता चुका हूं सिर्फ आप देख लें अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा वरना रहने दें कि अगर अप्लाइड एफओएच एक्चुअल एफओएच दोनों हैं तो अप्लाइड एफओएच को यूज करना अगर लिखा हुआ पहले तो ठीक है नहीं लिखा तो अब लिख लें। हम इन कैलकुलेशन के अंदर जब एफओएच ला रहे होते हैं तो हमें अप्लाइड चाहिए होती है अप्लाइड एफओएच एक्चुअल दोनों हैं तो अप्लाइड यूज करनी है उसकी रीजन भी बताई थी वर्क इन प्रोसेस में डेबिट करना तो हम अप्लाइड यूज करते हैं। हाँ अगर अप्लाइड एक्चुअल नहीं बस सिर्फ एक्चुअल ही है तो फिर मजबूरी है। अगर लिखा हुआ ऑलरेडी ठीक है कोई मसला नहीं। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है ये भी पहले लिखा हुआ है गालिबन के जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो मटेरियल के अतबार से बाय डिफॉल्ट 100% है यानी अगर आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई है 70% तो वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन की 70% मटेरियल के अतबार से अगर कुछ कहा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल है या विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन है तो वो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ही है। हाँ जी हाँ जी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस और अभी आज लॉस की भी यही बात है ये वर्किंग प्रोसेस लॉस दोनों के लिए बात कर रहा हूं वर्किंग प्रोसेस के लिए भी बात कर रहा हूं और लॉस के लिए भी कि अगर आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताइए और नहीं कहा कि वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल है कि विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन है तो फिर वो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन है क्योंकि मटीरियल के एतबार से 100% हो चुका। अच्छा तीसरी बात ये भी पहले बता चुका हूं कि जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस होते हैं ना ये फिजिकली फर्क नहीं होते सिर्फ तादाद का फर्क है फिजिकली एक जैसे हैं ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लॉस है वो थोड़े से टूटे हुए हैं और जो नॉर्मल है वो ज्यादा टूट गए फिजिकली एक जैसे हैं तो जब एक जैसे हैं तो इनकी स्क्रैप वैल्यू भी एक जैसी ही है। दोबारा जो नॉर्मल लॉस है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है ये फिजिकली एक जैसे ही खराब हैं तो इसलिए सेम स्क्रैप वैल्यू सब पे एप्लीकेबल है। जी जी
हाँ जी लिख लिया। चौथी बात ये नहीं होगी आपके लिए, चौथी बात ये लिख लें कि अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, अच्छा एबनॉर्मल लॉस जो है ना उसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो सकती है। ये पहले शायद इसी क्लास में किसी ने सवाल पूछा था कि जो यूनिट्स खराब हुए हैं वो क्या मुकम्मल होकर खराब हो रहे हैं, शुरू में खराब हो रहे हैं या 5 घंटे में से 3 घंटे गुजारने के बाद खराब हो रहे हैं। तो हाँ ऐसा हो सकता है, अगर प्रोसेस के दरमियान में कहीं खराब हो गए तो उनको उनकी लाशों को वहीं तैरने देंगे निकालने बाद। तो इसलिए जब उनको बाहर निकाल लिया तो बस उन पर तब तक ही खर्चा हुआ। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ दिए हो सकते हैं, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की होती है ज़रूरत। तो अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सवाल में नहीं है अवेलेबल, तो फिर बाय डिफॉल्ट ये कंप्लीट है, यानी बाय डिफॉल्ट ये 100% कंप्लीट थे, बिल्कुल किनारे पे पहुंच के फौत हुए। अगर एबनॉर्मल गेन लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट ये 100% कंप्लीट है। ये थोड़ा जल्दी हो गया सवाल। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई, जैसे मैं अभी सवाल में बताऊंगा, अगर नहीं बताई, नहीं अवेलेबल, तो फिर ये 100% कंप्लीट है। सवाल लिखिए जी। और ये नसीहतें वगैरह चलती रहेंगी, ये एग्जाम टिप्स, ये पूरे कोर्स में जब जब जरूरत होगी तब तक बताता जाऊंगा, हैं? यानी पेज नहीं छोड़ने की जरूरत है, बस चलता रहेगा थ्रू आउट। बस आपने ये इस तरह से प्रोमिनेंट करके ही रखने हैं कि ये आप ही के लिए लिखवा रहा हूं सर, याद रखनी है चीजें आपके। हाँ जी नोटेड लिखवाऊं सवाल? चले पहली लाइन तो आपको आती ही है। Following data relates to process 1 for the month of May. हाँ अभी फर्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, है? क्या बात? नहीं नहीं टोटल प्रोसेस तो जितने मर्जी हो, हमने दो पढ़ना है, पहला प्रोसेस और सब्सिक्वेंट प्रोसेस। यानी हमने को प्रोसेस 2, 3, 4 में अलग अलग नहीं सीखना, प्रोसेस 1 और बाकी वालों में फर्क सिर्फ इतना था कि प्रोसेस 1 का इनपुट रॉ मटेरियल होता है और अगले वो प्रोसेस 2 है, चाहे 202 है, उसका इनपुट क्या होगा पिछले प्रोसेस का। तो इस फर्क की वजह से मैंने दो हिस्सों में बांटा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखें 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। कॉस्ट लिखिए इनकी।
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बता दिए मैंने, इनकी कॉस्ट लिखी है, मटेरियल 80,000 80,000 रुपए और कन्वर्जन 90,000 90,000 क्या जी विद रिस्पेक्ट टू नहीं बताया क्या होंगे फिर कन्वर्जन। अच्छा आप लिखें करंट पीरियड का डाटा, करंट पीरियड का डाटा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 480,000 480,000 ब्रैकेट में लिखिए 20,000 यूनिट्स। करंट पीरियड का डाटा बता रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20,000 यूनिट्स बताए हैं और कॉस्ट मैंने कही है 480,000 480,000। अच्छा ये भी पेज एक माटा था वो मिल गया सबको, ये होमवर्क है और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपके ना ये लेक्चर 34 के रेफरेंस से ही वो पीडीएफ रखा है, उसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है, तो आपने क्वेश्चन देखना है, आंसर को पेज मोड़ के रख लें, आंसर बाद में, ये होमवर्क है आज का। चलिए ये आसान सवाल से स्टार्ट किया है तो पास पेपर के सवाल से शुरू किया है। क्या लिखा तो उसके आगे नहीं लिखा कुछ अभी तक, देर हो गया। कन्वर्जन, कन्वर्जन लिख लें 750,000 7,500,000 रुपए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3200 यूनिट्स 3200 यूनिट्स है क्लोजिंग और ये हैं 75% कंप्लीट 75% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स। आउटपुट इसकी जगह भी लिखा हो सकता था यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, तो यही बात है ना, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। ये है जी 19300 और स्क्रैप वैल्यू है डिफेक्टिव यूनिट्स की, डिफेक्टिव यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट मुझसे रिक्वायर्ड है। बल्कि हमसे रिक्वायर्ड है, आधा मैं आधा आप। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग पार्ट ए वेटेड एवरेज मेथड और पार्ट बी फाइफो मेथड। वेटेड एवरेज और फाइफो मुश्किल कौन सा है? फाइफो, फाइफो हाँ मुश्किल है। चलिए वेटेड एवरेज मैं कर देता हूँ आपके, नहीं नहीं वेटेड एवरेज मैं कर इधर देखें, वेटेड एवरेज मेथड कर रहा हूं, वेटेड एवरेज मेथड कर रहा हूं पहले सॉल्व। पहले वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व कर रहा हूं, यस सर ने लिखे ना वेटेड एवरेज मेथड, लिखे ना वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व कर रहा हूं, हेडिंग दे वेटेड एवरेज कर रहा हूं सॉल्व। अच्छा अब एक नई वर्किंग सिखा रहा हूं, पहले ये काम आप जबानी कर रहे थे लेकिन नहीं चल तो रहा है, पहले इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, आप जबानी कर लेते थे लेकिन अब इसको बनाया कीजिएगा सवाल में। क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल, और ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल है
इसमें सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ यूनिट्स की इंफॉर्मेशन आनी है और सिर्फ यूनिट्स का हिसाब किताब होना है, यानी यूनिट्स की सिर्फ एक रिकंसिलेशन बननी है, कितने आए, कितने गए, कहां गए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, सिर्फ यूनिट्स की गिनती पूरी करनी है बस। तो पहले कितने थे इसमें पड़े हुए, कितने और आए, अभी कितने बाकी हैं, 3200। देखें मैं निकालना चाह रहा हूं कि कितने आउट हुए, तो इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बचे रह गए, तो बाकी आउट होने जा रहे हैं ना, लेकिन इतने जाया होने चाहिए थे। और एक लाइन छोड़ के अगर बस यही सब होता तो इस सब का आंसर क्या आता, आउटपुट। लेकिन आपको आउटपुट इनको प्लस माइनस करके नहीं निकालना, गिवन है, बैलेंस करें, इसको बैलेंस करेंगे तो 500 नेगेटिव, यानी 500 का मजीद नुकसान हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी कह रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी कह रहा हूं, जहां भी आपको किसी अकाउंट से, किसी स्टेटमेंट से बैलेंसिंग करके कोई फिगर निकालनी पड़ती है, उसमें अक्सर बच्चे प्लस माइनस की गलती कर जाते हैं, तो आप जो बैलेंसिंग फिगर निकालें फिर उसको सीधा चल के ना क्रॉस चेक भी कर लिया करें। यानी अगर आपने बैलेंसिंग फिगर ये नेगेटिव 500 निकाली है तो फिर इनको देखें बन भी रहा है 19300 की कि नहीं बन रहा है ना, तो हाँ माइनस 500, ये है एबनॉर्मल लॉस, यानी इतना और लॉस हुआ तो जाके इतने बने, और अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर एबनॉर्मल गेन होता। तो ये एक नई कैलकुलेशन थी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये क्या लिख रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, वही जो बना रहे हैं, ये उनका आंसर होता है। कितने जी कंप्लीट, कितने, उन्नीस, आप तो पूरा ही लिखे, मैंने प्री लीजिएगा, छोड़िए बाद में। और क्या आता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कितने हैं, 3200, लेकिन इसको तोड़ के लिखेंगे मटेरियल और कन्वर्जन में, मटेरियल में पूरे और कन्वर्जन में 3200 और 24। जब लॉसेस पड़े थे तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स डिनोमिनेटर में ऐड हो रहे होते थे ना, हाँ तो ये डिनोमिनेटर ही है तो इसमें भी वो ऐड होंगे। एक लाइन मिस हो गई, सवाल में एक लाइन और लिखिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, सवाल में एक लाइन लिख लें, स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन यूनिट्स 70%। इसका मतलब है प्रोसेस 70% हो चुका हुआ था तो वो यूनिट्स खराब हो गए, उनको फिर निकाल लिया मशीन से, ये भी कन्वर्जन के हिसाब से। अभी इस सवाल में क्या है, लॉस, लॉस सवाल जरूर पूछा करें, वो जब बाद में आंसर आना होगा तो फिर डिले कर दूंगा, आप लोग पूछा करें जो भी आए दिल में। कितने हैं जी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, 500, और ये मटेरियल के अतबार से पूरे थे और जब ये नोजाया हुए तो कन्वर्जन के अतबार से 500 और 350। तेज हो गया, चले कॉस्ट पर यूनिट से रुक जाता हूँ। कितना, 23,000, 22,000। चले जी यहाँ रुक गया, यहाँ तक पहुंचे, फिर कॉस्ट पर यूनिट करता हूँ।
आदि कितनी देर रुकना है? वेटेड एवरेज है इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन भी आएगी। 80,000 और 90,000 करंट पीरियड कॉस्ट 480,750। नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट्स हैं और 10 रुपए का एक है। पांच पचास और 8,40 और डिनोमिनेटर हो गया 23 और 22050। कॉस्ट पर यूनिट बन गई 23.91 और 38.110। नहीं भाई, मैं अपने फाइफो की जगह बना रहा हूँ, आप वेट करिए ना इसको सॉल्व। मैंने उधर ही कहा था कि आप जगह ना छोड़े, मैं तो फाइफो के लिए जगह रख रहा हूँ, आप पूरा इसको। सेवन फाइव वन नाइन वन One six seven nine five.
इसी से आगे चल रहा हूँ, यहीं से आगे, जगह नहीं है तो लिख रहा हूँ। डबल वन नाइन वन फाइव टू फाइव टू फाइव टू नाइन जीरो। मैंने यहाँ से रिकवरी वैल्यूज नहीं माइनस की है। अच्छा अच्छा रिकवरी वाली यूनी माइनस की। तब कॉस्ट नहीं थी, तब आपको बताया था पीएनएल में कितना जाएगा, वो भी एक वजह से नहीं निकलवाया था। उसका दोबारा इस्तेमाल होगा अब जब हम टी अकाउंट सीख लेंगे इस चैप्टर में, फिर आएगा वो पीएनएल वाला। अभी कॉस्ट लिखिए, कॉस्ट बताएं जी, पूछें क्यों क्या कैसे सब। मेरी बस ठीक है, बता दिया सारा है क्या ये ना यार। आपको स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के लिए बताया था कि जो यूनिट्स यहां लिखे हैं उन पे रेट लगा दें, वो लगा दें। कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो 500 यूनिट थे मटेरियल इनपे पूरा लग चुका था, कन्वर्जन 70% लगी हुई थी। तेज तेज लिखा करें, तेज तेज, फिर पेपर नहीं, टाइम नहीं मैनेज होता पेपर में। चले आप अभी 5-0 से ये सवाल करें, अभी 5 मिनट का टारगेट रखे करें, बस 5 मिनट करें, करें जल्दी नोट करें, इसको नोट करें जल्दी और 5-0 से सवाल सॉल्व करें। जी जी हाँ यार, ये तो वो लॉसेस वाले में बताया था, पूरी क्लास लगाई थी। लॉसेस वाले लेक्चर में थे कि नहीं थे? वो लॉसेस वाले लेक्चर निकालो अपने रजिस्टर में, नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल गेन, उसमें देखो फार्मूले में न्यूमिरेटर में से क्या माइनस है। ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल है अब 5-0 में चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो यूनिट्स की बात हो रही है, तो ये तो यही है, ये तो बेसिक दोबारा ना बनाए, क्वांटिटी स्केड्यूल तो ना बनाए दोबारा, ये बाकी 3 चीजें बनाए। Thank you.
10 मिनट हो गए। Thank you.
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल पहले हो चुका था, इस महीने सिर्फ कन्वर्जन हुई है। पहले 60% कंप्लीट था तो अब 40 अब हुआ होगा। नहीं नहीं बाकी नहीं हुआ वा। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कैसे आउटपुट में से 4 निकाल दें। जी 19,000 19 470 470 0.1 सही है, सही है ना। अच्छा मेरा सही हो गया, चलो यार शुक्र है। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। ओपनिंग पे जितना इस महीने में काम हुआ है ये वो है, पुराना वाला एज इट इज, और जो नया मुजीद काम हुआ वो ये 6 1 5 2
1193 59 ये तो कर ही लेंगे 54 अगला सवाल लिखें कर रहे हैं अभी कर रहे हैं अगला सवाल लिखें जितनी देर में एक्सप्रेशंस आपके वापस आएंगे टाइम लग जाएगा लिखें हाँ भी करना भी एक मैं कराऊंगा एक होमवर्क ए बी ना एक वेटेड एवरेज एक फाइव से ये तो आपने कर लिया था भाई तो हो गया नोटेड है ये तो है जी क्या हो गया नहीं नहीं वहां मैं कराया हूं ये सवाल हाँ सेम क्वेश्चन एक्सेप्ट सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट सारा कुछ सेम है जैसे भी पहले क्वेश्चन में लिखा एक्सेप्ट आउटपुट अब 20400 है 20400 सेम डाटा है सेम रिक्वायरमेंट है बस अब सिर्फ मैंने चेंज इतना किया है कि आउटपुट 19300 की बजाय 20400 बताया वेटेड एवरेज से रिक्वायर्ड है और फाइफो से रिक्वायर्ड है आपको फाइफो मुश्किल लगता है ना तो अब मैं फाइफो से कर देता हूँ ये सवाल फाइफो से मैं कर रहा हूँ नहीं फाइफो से वेटेड एवरेज आप नहीं फिर आपको शिकायत होती है ना हर दफा वेटेड एवरेज से कर देते हैं नहीं नहीं अब हो गया फैसला फाइफो से कर रहा हूँ जिसने जाना चला जाए वेटेड एवरेज से होगा फाइफो से कर रहा हूँ फाइफो से बीस अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 600 का गेन आ जाएगा वो तो सवाल में वही लिखी हुई है सेम मैंने तभी कह दिया था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन एबनॉर्मल लॉस भी एबनॉर्मल गेन भी 70% यहाँ क्या चेंज आएगा एबनॉर्मल लॉस ऐड होता था एबनॉर्मल गेन डिनोमिनेटर में से लेस होता है वही काम यहाँ भी हो जाएगा छः सौ मटेरियल कॉलम में 600 नॉर्मल गेन लेस होता था ना डिनोमिनेटर में आउटपुट से लेस होता था तो लेस किया मैंने तो पहले ऐसे लेस करता था वैसे लेस कर लिया 17 वन एट 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 यार ये फिगर ठीक ही निकाली आपने ये गलत है फिर पहले गलत थी अभी फाइफो में पहले जो किया है पहले हाँ ये होता है पुराने काम पे छापा लगाने का नुकसान नहीं नहीं अभी करेंगे यार
है? वन डबल नाइन एट पहले वाला ये है, ये नहीं, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा 37.5. देखा इतना तेज हो गया, इतनी जल्दी देखो सॉल्व कर लिया, इधर गया006 51 ये वाला 7 9 अच्छा यार 7 इधर इधर 1 4 1 5 7 6 7 इधर ये निम्बल आता है चले परेशान करने के लिए एक सवाल, यानी इसमें से एक सवाल कर रहा हूं ना, एबनॉर्मल गेन 600 है, ये क्या है, ये 600 बन गए, जाया हो गए, नहीं हुए, कुछ भी नहीं है, तो ये 600 क्या है? अच्छा ये प्रोसेस में पड़े हुए हैं, बन गए हैं, कुछ भी नहीं है, बन गए ना, ये अभी बन रहे हैं, बन गए हैं, तो जब ये मुकम्मल हैं, तो पर ये 70% किस बात का? वो तो चलो लिखाया था ना, नहीं वो तो मैंने कहा था, क्यों पता चला, मेरा सॉरी नहीं समझ आया आपको, मैंने कहा है कि 600 तो बन गए ना, तो फिर 70 नहीं बने, कहाँ है ये बन गए हैं तभी तो आउटपुट ज्यादा है, एबनॉर्मल गेन बन गए हैं तभी तो आउटपुट इतना ज्यादा हो गया है? हाँ जी 70% क्यों लगाया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं खराब नहीं हुए, बन गए, नहीं कैन पे कन्वर्जन कॉस्ट नहीं आई पूरी, तो बाकी 30% लगे बगैर पूरे बन गए, यानी बगैर कन्वर्जन लगे, वो कन्वर्जन उधर देख रही थी निकल के,
तो फिर तो वर्किंग प्रोसेस होते, ये तो बन गए। इस क्यों का जवाब नहीं देना मैंने। और मंडे को भी नहीं। ये अगर कोई वाकई इसका जवाब जानना चाहेगा तो वो क्लास के अलावा, मैंने कुछ न्यूमेरिकल रिकंसिलिएशन बताई हुई है, वो मुझसे वो समझे पहले आके, और वो भी पहली दफा मैं नहीं समझाऊंगा, कुछ 3-4 चक्कर लगाऊंगा पहले, जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई पूछना चाहता है फिर मैं उसको, नहीं मैसेज नहीं आना पड़ेगा। फिर जो समझने आएगा, अगर उसने कहा कि हाँ ये तो सबको समझ आ सकता है, तो फिर वो क्लास में आके बाकियों को समझाएगा। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये जो अभी फाइफो से किया है, इसका वेटेड एवरेज आपका होमवर्क है, और वो जो पेज दिया है एक, वो सवाल होमवर्क है। उस सवाल में ईपी तो ऐसे ही बनेगा, बस सिर्फ रिक्वायरमेंट में उसने कहा था कि कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल लेबर और एफएच की बता दें, तो लेबर और एफएच होता तो कन्वर्जन ही है, ये तो कन्वर्जन कॉलम ही होगा, बस यहां पर करते हुए एक लेबर कॉलम और एफएच कॉलम बना देते, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, बस कॉस्ट टूट के अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट नहीं ना करें ऐड, उसने रिक्वायरमेंट में पूछा अलग था कि मटेरियल लेबर और एफएच की कॉस्ट बता दें। नहीं लेबर फर्ज करें, इसमें से 5 लाख लेबर है, 5 लाख 2.5 लाख, चले बस अब अल्लाह हाफिज़।